गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी टेक टेकिंग अप द पार्ट बी ऑफ डाइजेशन इन इंटेस्टाइन कल हमने डाइजेशन इन इंटेस्टाइन का पार्ट ए लिया था जिसमें हमने बाइल जूस और पंक्रियाटिक जूस का इफेक्ट ऑन फूड स्टडी किया था पार्ट टी डाइजेस्ट जो फूड उससे हुआ था आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में ही हम इंटेस्टाइनल जूस या जिसे हम सुकस एंट्रिकस भी कहते हैं उसका जो इफेक्ट है वो डाइजेशन पर देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस जो है वो भी एल्कलाइन होता है जैसे बाइल और पेनक्रियाटिक थे लेकिन इसका पी एच जो है वो एट होता है यह डाइजेस्टिव जूस जो है जो इंटेस्टाइनल जूस है यह डाइजेशन को कंप्लीट करता है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने माउथ में लिया था फिर वो स्टमक में गया और अब इंटेस्टाइन में आया है इतने सारे डाइजेस्टिव जूसेस के एक्ट होने के बाद सुकस एंट्रिकस जो है वो इस डाइजेशन को कंप्लीट करेगा सारे सारा फूड जो है चाहे वो प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो सबका डाइजेशन जो है वो अब इस इस जूस से कंप्लीट हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन को स्टिमुलेशन कैसे मिलता है जैसे ही काइम इंटेस्टाइन में आता है वो स्टिमुलेट करता है म्यूकस को कि वो एक हॉमोन रिलीज़ करे एंट्रोक्राइनिन यह एंट्रोक्राइनिन जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वह अब इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट करें इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका कॉम्पोजिशन और फंक्शंस क्या क्या हैं सबसे इम्पोर्टेंट हम देखें तो अगेन इसमें मेनली वाटर होता है मिनरल सॉल्ट्स होते हैं म्यूकस होता है और ढेर सारे एंजाइम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं सो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो हैं उसको हम स्टडी करेंगे और उनके फंक्शंस को भी हम साथ साथ में स्टडी करेंगे सबसे पहले एंजाइम जो है वो है एंटरोकाइनेज। हमने देखा था एंट्रोकाइनेस जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं अमीनो अमीनोपैप्टाइडेज अमीनो जो हैं वो स्मॉलर पेप्टाइड्स पर एक्ट करते हैं और उनको डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं डायपैप्टाइाइडिज फिर इन डायपेप्टाइड्स पर एक्ट करते हैं और उनको मोनोपेप्टाइड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इनवर्टेज जो है या सुक्रेज वो सुक्रोज़ पर एक्ट करता है और उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोस और माल्टोट्रायोस पर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोस में चेंज कर देता है और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज जो हैं वो अल्फ़ा लिमिट डेक्सट्रीन्स पर एक्ट करते हैं और उनको ग्लूकोस में कन्वर्ट करते हैं सिमिलरली लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोस पर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोस एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है लाइपेस जो है वो एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स पर फैट्स का इमल्सिफिकेशन अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊँ ये कहाँ हुआ था बिकॉज ऑफ द बाइल सॉल्ट तो जिसकी वजह से एक सस्पेंशन ड्रॉपलेट्स का बना था जिस पर अब लाइपेस एक्ट करता है उस इंक्रीज सर्फेस एरिया पर और इमल्सिफाइड फैट्स को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में देन स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जैसे फॉस्फोलाइपेज है जो फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स पर एक्ट करता है और उनको ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड में चेंज करता है फॉस्फोटेज एक्ट्स ऑन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड कन्वर्ट्स इट इन फ्री फॉस्फेट पॉली न्यूक्लियोटाइडेज दिस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड कन्वर्ट्स इट इंटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड दैन न्यूक्लियोसाइडेजिज एक्ट्स ऑन प्यूरिन और पिरामिडीन जो कि न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनको प्यूरिन और पिरामिडीन बेसिस और पेंटोस फॉस्फेट तक जो है वो इनको कन्वर्ट करता है सो वी सी कि जो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ था वो इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होता है तो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो इन कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने लिया था उसको रिड्यूस करते हैं सिंपल फॉर्म्स में जो कि इजीली एब्जॉर्ब और एसीमलेट हो सके सो जो एंड प्रोडक्ट्स हुए डाइजेशन के द डाइजेशन दैट बिगन इन द माउथ एंड इज़ नाउ कंप्लीटेड आफ्टर लॉट ऑफ एंजाइम्स हैव ऑन इट तो ये एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गए प्रिंसिपली ग्लूकोज प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए और फैट्स जो हैं हैव बीन ब्रोकन डाउन इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल तो अपने अपनेस्ट डिनोमिनेटर में सारे फैट फूड स्टफ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक समरी अगर हम केमिकल डाइजेशन की फूड की देखें तो इस चार्ट में आपको बहुत क्लियरली इस फिगर में आपको दिखेगा फर्स्ट पोर्शन में केमिकल डाइजेशन प्रोटीन्स का दिखा रहे हैं फिर कार्बोहाइड्रेट्स का और फिर फैट्स का प्रोटीन का डाइजेशन केमिकल डाइजेशन जब हम देखें तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कहाँ शुरू होता है स्टमक में माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में वो शुरू होता है और उस पर गैस्ट्रिक जूस एक्ट का एंजाइम जो है वो एक्ट करता है जो कि पेप्सिन है पेप्सिन उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीज एंड पेप्टोन्स पर इन प्रोटीज और पेप्टोन्स पर फिर पेनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं ट्राई एंड डाई पेप्टाइड्स में और इंटेस्टाइनल जूस के फिर वेरियस पेप्टाइड जो हैं वो ट्राई और डाई पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में यानी कि मोनोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डाइजेशन का एक ब्रीफ अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड जो हैं वो सबसे पहले माउथ में इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है सलाइवा में टाइलेन प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम कहते हैं वो कुक्ड स्टार्च पर एक्ट करता है लेकिन क्योंकि माउथ में बहुत कम टाइम के लिए फूड रहता है तो डाइजेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है यह फूड फिर जो बोलस है वो कहाँ आता है इन दी स्टमक स्टमक में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है अब इस पर एक्ट करता है पेनक्रियाटिक जूस वेंस वंस दिस फूड एंटर्स इन टू दी इंटेस्टाइन और पेंक्रियाटिक जूस का अमाइलेज जो है वो इसको डायसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है शुगर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और डाय पे फिर इंटेस्टाइनल जूस का माल्टेज लेक्टेज एंड सुक्रेज वो एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मोनोसेकेराइड्स में कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं ग्लूकोज है फ्रक्टोज है एंड गैलेक्टोज है फैट का डाइजेशन फैट का डाइजेशन हमने देखा माउथ में स्टमक में कहीं पे भी नहीं होता है सीधा इंटेस्टाइन में आके ही इसका डाइजेशन शुरू होता है सबसे पहले इस पर बाइल सॉल्ट्स जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं और इस फैट को जो कि कॉम्प्लेक्स ग्लोबलेट्स थे उनको इमल्सिफाई करता है और इस इमल्सिफाइड फैट्स पे फिर पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में जो लाइपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है वो इनको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह एक ब्रीफ समरी थी केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड की इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसी डाइजेशन को प्रोसेस को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक उसमें सुने तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहे हैं ऑर्गन्स कौन से हैं कौन सा एंजाइम या सिक्रीशन हो रहा है उसका क्या फंक्शन है और उसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो क्या है तो सलाइवरी ग्लैंड में हम देखें तो अमाइलेज सिक्रीट होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है तो ये साइट ऑफ एक्शन क्या है ओरल कैविटी स्टमक ऑर्गन जो है उसमें एंजाइम पेप्सिन और एच सी एल भी सिक्रीट होता है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में एच कन्वर्ट करता है और मेंटेन्स दी पीएच जो कि वन से टू तक होता है और यह पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय भी करता है दोनों की ही एक्टिविटी कहाँ हो रही है स्टमक में हो रही है फिर लिवर लिवर जो है वो बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है जो फैट्स को इमल्सिफाई कर रहे हैं और यह एक्टिविटी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है अब जितनी भी साइट ऑफ एक्टिव एक्शन है जो भी एक्टिविटी है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी चाहे वो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस की हो चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस की हो तो नेक्स्ट ऑर्गन हम ले रहे हैं पेनक्रियाज जिसमें एंजाइम्स अमाइलेस ट्रिप्सिन और लाइपेस तीनों ही एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट हैं अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके एंजाइम्स पैप्टाडेजिज सुक्रेज माल्टेज एंड लेक्टेज पैप्टाइडेज जो हैं वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करते हैं सुक्रेज सुक्रोज़ को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज़ में चेंज कर रहे हैं माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कर रहे हैं और लेक्टेज जो है वो लेक्टोज़ को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं सो यह फिगर नीचे जो है वो यह दिखा रहा है कि कौन से ऑर्गन से कौन सा एंजाइम या कौन सा और दूसरा सिक्रीशन सिक्रीट हो रहा है और वो कौन से फूड स्टफ़ पर एक्ट कर रहा है तो जो तीन कलर के शेड्स दिखेंगे इसमें तीनों ही शेड्स ब्लू के हैं बट हर फूड स्टफ़ के लिए कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स तीनों के लिए अलग अलग आप देख सकते हैं कौन से ऑर्गन से कौन सा एंजाइम है और वो किस तरीके से इसको डाइजेस्ट कर रहा है तो इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है जो कि माउथ में स्टार्ट हुआ था वो अब इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो केमिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन की वजह से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक हमने जो है वो डाइजेशन स्टडी किया अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉपशन किस तरीके से होता है उसको हम स्टडी करेंगे सो कीप कनेक्टेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से मिलेंगे थैंक यू सो मच